ये सेटअप पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम आज आपके लिए अगली क्लास लेकर आए हैं, लेकिन इससे पहले मैंने आपको कुछ और क्लासेस भी और पढ़ाई है। तो यदि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से आप यदि देखते हो तो आपको वो क्लासेस कुछ बड़ी लगेगी, लेकिन यदि आपके पास एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप जो भी पढ़े डिटेल में पढ़े, ताकि यदि आपको पूरे में से पूरे नंबर आ सके। यदि आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, कहीं से भी एक 15-20 मिनट का वीडियो देखते हो और बोलते हो हमारी तैयारी हो गई है, तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो। आप 15 मिनट के वीडियो में कोई सा भी चैप्टर क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको हर एक क्लास के लिए हर एक का, आप जो भी चैप्टर देखोगे हर एक चैप्टर का 3 से 4 वीडियो बनाए हैं, ताकि आपके साथ गलत ना हो। हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाया है, उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे करवाए हैं। और आप पूरा वीडियो देखिएगा, आप देखते हो कि एक दो क्वेश्चन देखकर छोड़ के चले जाते हो, तो ऐसे आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चैप्टर पहले करवाए और अगला चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ। और आप यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं आपके लिए अगला चैप्टर लेके आया हूँ, औसत। अब जी, अभी औसत इसलिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में कुछ टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जिस टाइप में एक क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कुछ कि जिसमें कम से कम 2 से 3 टाइप के मिक्स रहते हैं, तो उसमें आपको पता नहीं चला कि इसमें क्या लगाना है। तो उस क्वेश्चन को एक पूरी तरह से डिटेल में करोगे, उसके बजाय कुछ शॉर्ट तरीके होते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को मिक्स करके उस क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड में कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आज आपको औसत पढ़ा रहा हूँ, ताकि इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बढ़े तो आप उसे गलत ना करें। और मैं आपको इसमें एक या दो टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा, सभी टाइप के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। आपके 2 से 3 वीडियो जो भी बनेंगे आप पूरे देखना। वो इसलिए ज़रूरी है कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी बने, किसी भी टाइप का बने, तो आपका गलत ना जाए। मैं चाहूँ तो इसे एक वीडियो में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन इससे आपके साथ गलत होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल संतुष्ट रहिए, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको पूरे क्वेश्चन करवाऊँगा। अब आते हैं औसत पे। चलिए, तो औसत सबसे पहले हमें समझना है कि औसत होता क्या है। मैं हर ये मेरा पहला इस लेक्चर का पहला है, तो इसलिए मैं डिटेल में समझाऊंगा, और अगला जो वीडियो बनेगा उसमें क्वेश्चन करवाऊंगे, वो भी थोड़े जल्दी में रहेंगे क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन पहले आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसमें। तो डिटेल में आप समझिएगा कि औसत होता क्या है, फॉर्मूले रटने की बजाय उन्हें समझिएगा कि ये हुआ कैसे। ठीक है, अब आते हैं औसत पे। औसत क्या होता है? औसत वह बीज की संख्या होती है। यदि मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2, 3, 4, 5, तो कहने का मतलब है कि ये जो पूरी संख्या है इसका औसत यानी मिडिल मान, औसत का मतलब ये होता है इन सब संख्याओं को जोड़कर उनके बीच की संख्या। अब यहाँ से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा। एक मेनली एक फॉर्मूला होता है औसत ज्ञात करने का, वो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग जगह लगते, लेकिन मैं आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताऊँगा। सिर्फ एक ही चीज़ समझना, उससे आपके फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे। आप खुद सोचोगे कि यार मैंने ये चीज़ अप्लाई की अपने दिमाग से, तो फॉर्मूला अपने आप बन गया, 100 फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं बात पे, 1, 2, 3, 4, 5 का औसत क्या होगा, क्या पूछा है उसने औसत। तो औसत जो होता है, यदि मैं औसत की बात करता हूँ, तो सभी संख्याओं का योगफल जी क्या होगा, सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्या है। यहाँ समझिएगा, सभी संख्याओं का योगफल, कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से मैं आपको दो चीज़ें समझाऊंगा, इन सबका योगफल। तो ये चलिए इनको काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 6, 10, 15 नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, डिवाइड करता हूँ तो मेरा औसत आ गया 3। कहने का मतलब है औसत वह संख्या होती है जो इन सबके बीच में होती है, या फिर उनकी बीच का मान। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 हो यहाँ पे। यदि मान लीजिए, अब चले एक बात और यहाँ से सीखना, जब भी आपने क्या सीखा, सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्या है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यदि संख्याएं क्रमिक हो, संख्याएं क्रमिक हो मतलब एक क्रम में हो और उनके बीच का डिफरेंस सेम हो, 1, 2, 3, 4, 5, यदि संख्याएं क्रमिक हो उनके बीच का डिफरेंस 1 हो, तो आप एक काम कीजिए, पहली संख्या लीजिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया है, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, पहली संख्या और अंतिम संख्या लीजिए और 2 से उसे डिवाइड कर दीजिए। आपका सूत्र भी यही होता है और यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, और सूत्र कैसे होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, हर एक चीज़ क्लियर करेंगे आज, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको डबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यदि कोई से भी एग्ज़ाम दोगे तो आपको एक बार औसत का डबल कहीं पर भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस यही समझ लेना आप। चलिए, तो आते हैं अगली पे। अब यहाँ देखिए, पहली संख्या कौन सी है मेरी, 1, अंतिम संख्या मेरी 5, मैं दोनों को जोड़ता हूँ और 2 से डिवाइड करूँगा, 5 और 1, 6 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से देखिए मेरा आंसर कितना बन गया, 3। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? कहने का मतलब है इसका फॉर्मूले के बजाय मैं इसको
अपने तरीके से करूँगा, ताकि मेरे को ये देखना है कि ये फॉर्मूला बना कहाँ से। यदि आप एक बार किसी भी, यदि मैथ्स सॉल्व करते हो किसी भी क्वेश्चन में, आपको ये पता चल जाता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो आप एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने, किसी भी टाइप का, वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँगा। मैंने अभी औसत बता दिया, एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे। यदि आपको कुछ और संख्याओं का औसत निकालना हो, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8 और 10, इसका यदि आपको औसत निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। इन सभी संख्याओं को हम काउंट करेंगे, 4, 4, 2, 6, 12, 20 और 30। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हो गए, डिवाइड किया कितना आया, 6। इन संख्याओं का औसत क्या हो गया, 6। यहाँ से यह चीज़ भी सीखी। अब आपको इसी में आगे ले चलता हूँ। औसत किसी भी संख्या का निकाल सकते हो आप, कोई भी संख्या हो उनको जोड़िए। जैसे एग्जाम यदि आपको दे देगा 5, 8, 10, 15, 20 का निकालिए, तो भी आप निकाल सकते हो। लेकिन मेनली एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि आपको थोड़ा बड़ा लगेगा, आप सोचोगे करेंगे कैसे, और वहाँ पर कुछ ना कुछ फॉर्मूला ज़रूर लगेगा। चलिए तो मैं आपको पहले क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। आपके एक ही क्वेश्चन से हम 4-5 तरह के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में आपको सभी टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। पहला टाइप देखिए आप, कि एक से आपका क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। मुझे क्या ज्ञात करना है, औसत। इसका एक आप यदि बुक उठाते हो तो उसमें एक फॉर्मूला होता है कि सभी प्राकृत संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्याएं का औसत होता है n+1/2। ये एक बुक में फॉर्मूला होता है। अब मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2, इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ। ये आप तभी लगा सकते हो जब संख्या 1 से शुरू हो, एक बार ध्यान देगा, ये आप तभी लगा सकते हो जब संख्याएं 1 से शुरू हो, और ये आप वहाँ पे लगा सकते हो जहाँ पे संख्याएं क्रमिक हो। कहने का मतलब यदि 1 से शुरू होगी तो वो 1, 2, 3, 4 ही होगी, लेकिन हम इसका कहीं बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें ये सीखना है, ये नहीं, क्योंकि ये तो एक फॉर्मूला है, ये तो आप इससे भी बना सकते हो। अब मैं इस फॉर्मूले पर आता हूँ, अब देखिएगा, पहली संख्या मेरी क्या है, 1, अंतिम संख्या मेरी कौन सी है, 100। पहली संख्या हो गई, अंतिम संख्या हो गई, डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 101। डिवाइड बाय 2 कितना आया मेरा, 50.5। ठीक है, अब आगे चलिए। अब ये का यही तरीका यहाँ पे लगा दे, एक तो हो गया मेरा n, n का मतलब होता है यहाँ पे कि जहाँ तक वो संख्याएं जा रही हैं। कहने का मतलब है 1 से 100, तो कहने का मतलब है आखिरी संख्या, मतलब n संख्या। तो n कितना है मेरा, 100+1/2, तो ये का ये तो हो गया मेरा, वो की वही बात होगी। मैं इसको सीधा डिवाइड कर देता हूँ तो वो का वही बन जाएगा मेरा। तो कहने का मतलब ये नहीं है, कुछ रटी रटाई चीज़ याद नहीं रखना, वो समझना है कि ये हुआ कैसे। एक तरीका तो ये हो गया, आप इससे किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आगे, एक क्वेश्चन और करिएगा आप। इसी में मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए आप, एक सौ एक से 200 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप एक ध्यान दीजिएगा, अगर इसको यदि आप उस फॉर्मूले से करते हो, तो आपके पास एक तरीका कि आप पहले काम कीजिए, n+1 का उपयोग करोगे। एक तो आप 1 से 200 तक निकालिए और उसमें से 1 से 100 तक माइनस कर दीजिए। एक तरीका तो ये जो आप इसमें लगाओगे, इस फॉर्मूले का आप उपयोग करोगे, तो आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा। आपको दो बार कैलकुलेशन करना है, जो अपने को नहीं करना है। आते हैं शॉर्ट फॉर्मूले पर। मैंने आपको बताया पहली संख्या, सभी संख्याओं की बात हो रही है, यानी पहली संख्या कौन सी हो गई, 101। अंतिम संख्या कौन सी हो गई, 200। डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 301 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से आपका जो भी आंसर बनेगा वो आप निकाल लीजिएगा, 15.5। ये आपका आंसर। कहने का मतलब है तरीके पर जाए, रटी रटाई चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है, तरीके पर जाना है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये बहुत ही डीपली बता दिया आपको। बिल्कुल आप इससे किसी भी क्वेश्चन कर सकते हो, दे दे आपको 1000 से 200 तक, पर ध्यान रहे वो संख्या क्रमिक होना चाहिए, एक ही क्रम में बढ़ती जानी चाहिए। यदि मान लीजिए मैं बढ़ाता हूँ 2, 4, 6, तो यहाँ पर डिफरेंस सेम है ना, 2-2 का। इसी तरह से यदि आप 8 का बोल दिए, 8, 16,
क्रमिक है ना, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग सकता है। अब आते हैं इस फॉर्मूले से कितने कितने क्वेश्चन कर सकते हैं वो भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी चीज़ और देखिएगा। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, तो मैंने भी उसमें भी आपको औसत बताया था, लेकिन उस औसत का इस्तेमाल हमने योगफल ज्ञात करने में किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपको औसत बता रहा हूँ, यदि आपको योगफल ज्ञात करना हो तो इससे पहले जो वीडियो बने हुए हैं वह देख लीजिएगा, आपको आराम से 100 तक 1000 तक संख्याओं का औसत निकाल सकते हो सिर्फ एक ही तरीके से, कोई भी आपको दूसरा तरीका लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको सूत्र याद नहीं रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 100 तक सभी, अब यहां पे हम लेते हैं सम संख्याएं, सम संख्याओं का औसत, ठीक है। अब आपको पता होगा कि हम जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं, नंबर्स ऑफ संख्याएं, उसमें आधी संख्याएं इवन और आधी ओड होती है, कहने का मतलब है आधी सम और आधी विषम। यदि मैं 100 की बात करता हूं तो यहां पे 50 सम 50 विषम होगी, और यदि मैं 30 संख्याओं की बात करता हूँ 1 से 30 तक की, तो वहाँ पर मेरी 15 संख्याएं सम और 15 विषम होगी, कहने का मतलब है आधा आधा दोनों रहेगा। 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने का तरीका, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याएं। अब आपके काम कीजिए, 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालिए, क्या आप निकाल पाओगे? उसके बटे में फिर 100 से भाग दीजिए, ये आप नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब फॉर्मूला सिर्फ समझाने के लिए होता है, इसका हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मैं इसका उपयोग यहाँ पे नहीं कर सकता। अब मैं कुछ और एडवांस बनता हूँ, फिर आप चलते हैं। पहली संख्या और अंतिम संख्या, इसका एक फॉर्मूला और भी होता है जो n+1 होता है, उसी तरह से इसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, रटी रटाई चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको समझना है पहली संख्या और अंतिम संख्या। अब आप बताइए कि पहली सम संख्या कौन सी होगी? एक तो विषम हो गई, तो मेरी पहली सम संख्या कौन सी होगी? 2। और अंतिम आपको पता है 100 स्वयं एक सम संख्या है, तो मेरी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2। पहली संख्या 2, दूसरी संख्या यानी मतलब मेरा मतलब अंतिम संख्या 100 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 102 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 51। कहने का मतलब है यदि आपको कभी भी क्रमिक संख्याएं पूछे कि 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं? आप यदि एग्जाम आपकी बुक में देखोगे तो वहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि संख्याएं सम संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1। ये n का मतलब यहाँ पे n का मतलब टोटल संख्याओं से नहीं है, n का मतलब सिर्फ उन्हीं संख्याओं से है जो सम है, जैसे 2, 4, 6। तो आप यदि 1 से 100 तक देखोगे तो आपको 50 संख्याएं मिलेगी, तो कहने का मतलब n का मतलब यहाँ 50 से है, तो मेरा 50+1 मेरा 51। अब आप इसका इस्तेमाल केवल 1 से शुरू हो वहीं पे कर सकते हो, लेकिन इसका इस्तेमाल आप कहीं से भी शुरू हो कर सकते हो। आपको बोल दे कि 100 से 200 तक की संख्या है तो भी निकाल सकते हो, 500 से 1000 तक की तो भी निकाल सकते हो, लेकिन यदि 500 से 1000 तक की बोले तो आप इससे नहीं निकाल सकते, उससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको क्रमिक बोले कि 1 से 500 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, वो भी मैं आपको डिटेल में एक बार बता देता हूँ ताकि आपका और भी अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ नोटिस करना है, वो आपका शॉर्ट तरीका होगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखते से ही सोल्व हो जाएगा। आप एग्जाम में पेन उठाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि बोल दे आपको कि 1 से 500 तक की सभी सम संख्या है, तो 1 से 500 तक आधी विषम आधी सम, कहने का मतलब कितनी संख्या होगी? 250 सम होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यदि औसत पूछे सम संख्या को 250+1 कर दीजिए, 251 ये आपका औसत हो गया है। ये होता है शॉर्ट तरीका, आ गया समझ में आपको? कुछ नहीं करना, जितनी संख्या है उसमें 1+ कर दीजिए, ये आपका औसत। और यदि आप ऐसे नहीं करते तो पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या, अब आपको पता है एक तो सम होगी, तो पहली अंतिम सम पहली संख्या कौन सी होगी? 2। पहली संख्या अंतिम संख्या 500 ये हो गया आपका डिवाइड बाय 2, ये हो गया पहली, ये अंतिम कितना हो गया? 502 डिवाइड बाय 2। अब इसको आप डिवाइड करोगे कितना आएगा? 151 सीधा आ गया। और बस ये करने के बजाय आप इस पर जाइए, और भी शॉर्ट हो गया। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए इसके, एक ये तरीका ये बिल्कुल शॉर्ट, सेकंड तरीका ये, और एक तरीका वही वाला जो आप बरसों से करते आए हो,
सभी संख्याओं का औसत योगफल बटे संख्या है, वो अपने को नहीं करना है। ठीक है, कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए? दो टाइप के। अब पढ़ते हैं विषम वाली। आप इससे बीच की संख्या भी निकाल सकते हो। जैसे यदि आपको बोल दे कि 200 से 500 तक की सम संख्या है, तो आप एक काम कीजिए, पहली संख्या हो गई आपकी 200, सम संख्या होगी बोले कि 200 से बोले तो 200, और आखिरी हो गई 500, 200 और 500 को जोड़िए, पहली और अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब यदि आपको 1 से 100 तक सभी विषम संख्याएं बोल दे, इवन नंबर विषम संख्याएं बोल दे, तो आपको क्या करना है? विषम संख्या 1 से 100 तक कितनी? मैंने आपको बताया 50 सम 50 विषम, तो पहली विषम संख्या कौन सी होगी? 1, और आखिरी कौन सी होगी? 100 तो होगी नहीं, 100 तक ही जाना है, 100 से पहले कौन सी होगी? 99। अब यहाँ पे एक पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2, इससे मैं आपको बताऊँगा फॉर्मूला कहाँ से बना है, वो भी मैं आपको बता दूँगा। पहले हम इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे, पहली संख्या 1, दूसरी आपकी 99, हो गया मेरा पहली संख्या और अंतिम संख्या हो गई डिवाइड बाय 2, कितना हो गया 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 50। अब आते हैं बात पर, ये हो गया आपका बेसिक तरीका, या फिर यही तरीका इस्तेमाल करना है। अब जो बुक वाला बोलता है जो रटी रटाई चीज़, वो कहाँ से आई वो मैं आपको बताता हूँ। सभी संख्याएं वही उसका औसत होगा, सभी विषम संख्याएं वही उसका औसत होगा। कहने का मतलब है सभी विषम संख्याएं 1 से 100 तक कितनी विषम संख्या है? 50, तो वही उसका औसत होगा। तो इसका मान कितना हो गया कि n। कहने का मतलब है 1 से 100 तक जितनी भी विषम संख्याएं हैं वही उसका औसत होगा। 1 से 100 तक कितनी विषम संख्या है? 50, तो वही उसका औसत हो गया। बस ये आपको सीधा करना है। 1 से 500 तक बोल दें कि 1 से 500 तक सभी विषम संख्याएं, टोटल विषम संख्या है n, नंबर कितना है? 250, तो वही मेरा औसत हो गया है। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तब भी कर सकते हो, ये वाला नहीं, मैं इसकी नहीं बोल रहा हूँ, जो बुक का फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल आप तब भी कर सकते हो जब संख्याएं 1 से शुरू हो। नोट कर लेना चाहे तो, ये संख्याएं 1 से शुरू होनी चाहिए, और यदि संख्याएं कहीं से भी शुरू हो तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और यही का 100% सही यही जाएगा, क्योंकि एक ही चीज़ से हम कितने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हम 100 चीज़ों की बजाय एक ही चीज़ सीखना पसंद करेंगे। ठीक है, आपका टोटल नंबर्स हो गए, सम नंबर हो गए, विषम नंबर हो गए। इसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद हम अगले टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि मुझे बोल दिया जाए 500 से 1000 तक विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब आप एग्ज़ाम वाले फॉर्मूले पे जाइए, जो आपकी बुक में फॉर्मूला है उस पे जाते हैं। चलिए ठीक है, आपके एग्ज़ाम का फॉर्मूला कहता है कि टोटल एन नंबर वही उसका औसत होगा। अब टोटल एन नंबर जो है यह 1 से शुरू होना चाहिए, कहाँ से? 1 से। अब मेरा तो 500 से शुरू हो रहा है, तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा? यहीं पे तो आपका फॉर्मूला गलत हो गया। अब आप इसका इस्तेमाल कहाँ करोगे? एग्ज़ाम वाला इतना भी सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपका यहीं पे गलत हो गया। रटी रटाई चीज़ आपको काम आई? बिल्कुल काम नहीं आएगी। अब आते हैं काम की चीज़ पर। अब मुझे पता है कि मुझे किसी भी संख्या का औसत निकालना हो और वो क्रमिक चल रही हो। कहने का मतलब है विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या कौन सी होगी? 501, दूसरी 503, इसी तरह से क्रमिक चल रही है, सबके बीच का डिफरेंस सेम है, क्रमिक। तो मैं वही लगाऊंगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2। अब मेरे पहली विषम संख्या कौन सी हो गई? 501 मेरी पहली हो गई, और अंतिम संख्या क्या? 1000 होगी, 1000 सम संख्या है, तो इससे पहली कौन सी होगी? 99। ठीक है, मेरी अंतिम संख्या हो गई 999 डिवाइड बाय 2, 9 1 10 10, कितना हो गया? 1500 डिवाइड बाय 2, इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा? आप एक काम कीजिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आपको तुरंत ऑप्शन पे जाना है, वहाँ पे देखिए और तुरंत लगाइए, इतना टाइम नहीं लगाना है अपने को। ये मेरा आ गया औसत। आप उस यदि वो 1 से 100 तक का फॉर्मूला लगाते तो आपको दो तरीके करना पड़ते, पहले 1 से 1000 तक निकालते,
उसमें से माइनस करना पड़ता 100 से 500 तक का माइनस करते ताकि वो 500 से आगे वाला आ जाता। तो हमें इतना क्यों करें, हम तो सीधा यही करेंगे ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये वाला आपका सभी जगह लागू होगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, मैं आपको बहुत ही डीप में बता रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, शॉर्ट तरीके भी बता रहा हूँ और आपको सारी चीज़ें साथ साथ में क्लियर होती जा रही है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए बताता हूँ कि यदि एग्जाम में बोल दे 61, 63, 65, 67 और 69 का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपका 61, 63, 65, 69 का आपको औसत ज्ञात करना है। अब मैं आता हूँ आपके बुक वाले फॉर्मूले पे। औसत बराबर सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्या है। आप कीजिए काम, सबको जोड़िए, फिर जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है 5 से डिवाइड कीजिए। आपको इतना टाइम लगेगा, कम से कम आपको इसमें 1 मिनट लगेगा, लेकिन अपने को 1 मिनट लगाना ही नहीं है, अपने को 20 सेकंड में सोल्व करना है या फिर 5 सेकंड में ही आंसर देना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करना कि यदि दी गई संख्या क्रमिक चल रही हो, मतलब कहने का मतलब एक क्रम में बढ़ती जा रही हो, दी गई संख्या एक क्रम में बढ़ती जाए और यदि उनके जो नंबर से वह विषम नंबर हो, कहने का मतलब जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं है, 7 संख्याएं हो, 8 नहीं 9 संख्याएं हो, इस तरह से यदि उनका जो नंबर्स हैं वो विषम हो, मैं एक बार रिवाइज करता हूँ, यदि संख्याएं क्रमिक तरीके से बढ़ती जा रही हो और उनके टोटल जो नंबर्स है, काउंटिंग ऑफ नंबर्स है, वह विषम हो, तो हम उसमें बीच वाला जो नंबर होगा वही हमारा औसत होगा, ठीक है। अब आते हैं बात पे। पहले जो मैंने आपको तरीका बताया था, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, क्योंकि यहाँ पे क्रमिक बढ़ रही है, डिवाइड बाय 2। पहली संख्या मेरा ये रही, अंतिम संख्या ये रही, दोनों को जोड़ता हूँ, 2 से डिवाइड करूँगा, 9 और 1 10, 6 6 12 और 1 13 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा मेरा 65। तो अब यहाँ पे आप जाइए, बीच की संख्या हो गई मेरी 65, आपको ये भी नहीं लगाना है, अब दिमाग लगाना है आपको थोड़ा सा, जैसे आपके सामने आए ये भी नहीं लगाना है, सीधा दिमाग लगाइए। मैं नंबर काउंट करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, कितने 5 नंबर विषम नंबर हो गया मेरा, एक क्रमिक चल रहा है, 2 यहाँ बढ़ रहा है, 2 यहाँ बढ़ा, 2 यहाँ बढ़ा, 2 यहाँ बढ़ा, ठीक है। अब मैं नंबर काउंट किए, कितने नंबर हुए 5, तो मैं बीच वाला जो नंबर होगा वही मेरा औसत हो गया, 1, 2, 3, ये भी बीच में 1, 2, 3 बीच में हो गया मेरा 65, इसका औसत हो गया है, ठीक है। ये होता है शॉर्ट तरीका। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए ये क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या होगी, 5 की बजाय पहले 5 वाला देख लेते फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्रमिक चल रहा है, 2 यहाँ बढ़ा, 2 यहाँ बढ़ा, 2 यहाँ बढ़ा, 2 यहाँ बढ़ा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, कहने का मतलब विषम संख्या, मतलब 5 हो गई। तो मैंने आपको बताया कि ऐसी संख्या हो तो उस समय 20 का ही हमारा औसत हो जाएगा, 20 में कितना है 66, ये मेरा औसत सीधा बीच वाला ही मेरा औसत हो गया, क्योंकि 2 इधर बच गए, 2 इधर बच गए और क्रमिक चल रही है, क्रमिक, ठीक है। अब यदि मान लीजिए संख्या आगे बढ़ जाए, 70 के बजाय यहाँ पे 72 और 74, अब मैं नंबर काउंट करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने नंबर हो गए 7 हो गया विषम। तो अब बीच वाली संख्या मेरी 7 के बीच में कितना आएगा 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दोनों के बीच में कितना है 68, ये मेरा औसत। सीधा तरीका, आपको यही तरीका इस्तेमाल करना है एग्जाम में आपका, देखते से और इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे यदि आपको पता है तो आपने सीधा आंसर लगा दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस चीज़ में कोई पता नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, इन सबको पहले जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, उसके बाद इन सभी संख्याओं का भाग देंगे, नंबर्स ऑफ काउंटिंग का भाग देंगे, तो उनका टाइम वेस्ट होगा। और एग्ज़ाम में यही तो करना है, जिसने टाइम बचा लिया वही एग्ज़ाम में क्लियर कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम को देकर देखिएगा, जो टाइम कवर करता है वही एग्ज़ाम निकाल पाता है, और हमारी 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन देखिए आप, थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है, अगला टाइप है। 1 से
सौ तक चार से, यहां ध्यान दिया, चार से विभाजित सभी, जो चार से विभाजित सभी संख्याओं का योगफल, योगफल के लिए आपको औसत ही ज्ञात करना है यहां, तो औसत ज्ञात कीजिए। एक से सौ तक चार से विभाजित, कहने का मतलब है एक से सौ तक जितनी भी संख्या है जो चार से विभाजित है, जैसे मान लिया जाए एक से मैं चलता हूं, दो विभाजित एक है, क्या दो जाती है, तीन नहीं जाती, एक दो तीन, क्या मेरी ये चार से विभाजित है, लेकिन मेरा चार विभाजित है, पाँच नहीं है, छः नहीं है, सात नहीं है, लेकिन आठ विभाजित है। तो कहने का मतलब जिस तरह से चार आठ बारह सोलह, ये जो संख्या है सौ तक हैं जो चार से विभाजित है, इनका मुझे औसत ज्ञात करना है। अब लाओ आपका एन प्लस वन वाला फॉर्मूला लाइए और लगाइए और मुझे बताइए कैसे आंसर आएगा, कोई बता सकता है? एन लाइए आप, नहीं ला सकते, ये फॉर्मूले यहाँ पे नहीं लग सकते, इसलिए मैं आपको उन फॉर्मूले पर बिल्कुल भी लेकर नहीं जाऊँगा, बिल्कुल बेसिक से आप चलना है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी थोड़ी देर पहले, क्रमिक संख्याएं चलती है, क्रमिक का मतलब ये होता है कि उनके बीच में, आपने कभी श्रृंखला पढ़ी होगी, क्रमिक का मतलब वो होता है कि उनके बीच में जो संख्या है वो बराबर है। चार से विभाजित पहली संख्या चार आठ, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है, चार का, इसके बीच में भी चार का, तो कहने का मतलब है कि चार से जो भी संख्या विभाजित हो रही है उन सबके बीच में चार का डिफरेंस होगा। तो मेरा ऐसा होता है, तो मैंने आपको बताया है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय टू करूँगा तो मेरा औसत आ जाएगा, क्या आएगा मेरा औसत। ये आपका क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो गया, बस अब आप दिमाग लगाइए, पहली संख्या कौन सी हो गई चार, अंतिम संख्या, अब आप देखिए कि सौ से पहले या फिर सौ तक जो चार से विभाजित है वो संख्या देखनी है हमें, तो क्या मेरा सौ से चार से विभाजित है, 100% जा रहा है मेरा, तो लास्ट संख्या कौन सी हो गई, सौ तक की बोला है तो सौ ही स्वयं हो गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिवाइड बाय टू कितना हो गया, 104 डिवाइड बाय टू कितना हो गया यहाँ पे मेरा 52, ये मेरा सीधा औसत निकल गया है, मुझे कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना पता है कि पहली संख्या चार है, अंतिम संख्या मैं निकाल लूँगा, दोनों को जोड़ूँगा, दो से डिवाइड करूँगा मेरा औसत, ठीक है। इसे बोलते हैं तरीका एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन करने का, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में हो जाएगी, और आइए जितना हो सके उतने आप क्वेश्चन लगाइए, आपके पास जो भी बुक होती है या फिर आप कहीं से भी उसका मटेरियल इकट्ठा कीजिए और क्वेश्चन लगाइए, तभी आप एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको इसी टाइप का बताता हूँ, यदि आपको कुछ आगे तक बोल दे, क्वेश्चन आपका 100 से 200 तक, 200 तक 8 से या फिर 4 से या 8 से या फिर एक काम करते हैं आपको और अच्छा ले चलता हूँ मैं 10 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 100 से 200 तक की बोला है, 100 से 200 तक काई से 10 से, अब आप देखिए पहली संख्या और अंतिम संख्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 10 का जो भी फॉर्मूला चलता है वो कैसे चलता है, पहली 10 20 30, तो कहने का मतलब सबके बीच में डिफरेंस सेम ही आएगा, बस तो मुझे टेंशन ही नहीं है, पहली संख्या निकाल लूँ अंतिम संख्या निकाल लूँ, 100 से बोला है मतलब 100 से शुरुआत हो रही है, तो 100 तो स्वयं एक 10 से डिवाइड है, पहली संख्या तो मेरा स्वयं 100 ही हो गई, अंतिम संख्या मतलब 200 तक मतलब 200 भी काउंट हो रहा है, लास्ट संख्या मेरी कौन सी हो गई 200, मेरे को पता चल गया है कि 10 से डिवाइड है, वो 10 से डिवाइड है, ठीक है। मैं कैसे फिर उसको आपको पहली संख्या अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2, पहली संख्या अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 300/2, मेरा आंसर आया 150, ये मेरा औसत, ठीक है। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप देखते से इसे 15 सेकंड में सोल्व कर दोगे और दूसरा व्यक्ति सोचने में ही रह जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ ध्यान से हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपकी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, आप सारे जो चैप्टर हैं एक एक बार ही पढ़े और पूरी तरह से उन्हें क्लियर करते हुए चले, आपका एक एक नंबर बहुत ही ज़रूरी है। एक क्वेश्चन है,
पांच विषम संख्याओं का औसत 75 है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पे जाइए, पांच विषम, क्या बोला है, विषम संख्याओं का औसत 75 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहले एक बेसिक चीज समझिए, उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे देखते से आंसर लगाएंगे। यदि मैं पांच विषम संख्या लिखता हूँ, 1, 3, 5, 7, 9, मैंने आपको बताया है कि जब भी क्रमिक तरह से संख्याएं चलती हैं, और यदि वो संख्या 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरह से विषम संख्याएं होती हैं, तो हम वहाँ पे विषम संख्याओं का मतलब, मैं 1, 3, 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, विषम 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं इस तरह की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वह बीच वाली संख्या होती है, वही हमारा औसत होता है। तो कहने का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 का विषम संख्याएं हैं, 5 विषम संख्याएं, जो बीच की संख्या है वही मेरा औसत है। तो कहने का मतलब है 75 मेरे बीच की संख्या ही होगी ना। इससे पहले वाले में जो क्वेश्चन करा है उसमें डिटेल समझिएगा, उसमें डिटेल से बताया कि आया कैसे, वो भी मैंने आपको बता रखा है। 75 तो मेरा बीच की संख्या हो गई, विषम की बात कर रहे हैं, कितनी विषम संख्या है, 5, तो आगे भी 2 होगी, पीछे भी 2 होगी, तो आगे कौन सी हो गई मेरा 77, 79, पीछे कौन सी हो गई 73, 71, ये मेरा सीधा है, पांचों संख्या मेरे सामने आ गई है, क्योंकि मुझे तरीका पता है। औसत हो गया 75, आप इन सभी संख्याओं का आप यदि औसत निकालोगे तो भी 75 आएगा। वो कैसे, मैंने आपको बताया है, या तो पहली संख्या और अंतिम संख्या लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए तो भी 75 आएगा, और वही विषम वाला तरीका लगाओगे तो भी 75 आएगा। अब पांच संख्याएं हो गई, अब आपको पता है यहाँ पहली संख्या कौन सी हो गई, पूछे तो पहली, पूछे तो ये वाली, अंतिम पूछे तो ये वाली, और अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि पहली और अंतिम का योगफल ज्ञात कीजिए तो भी आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब एक ही तरीका सीखा, और उसमें हमने इतनी सारी चीज़ें सीख ली, तो आपको ये भी समझ में आया। एक तरीका और है इसी टाइप का, एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए आप। ये विषम का था, अब देखते हैं सम का। पांच सम संख्याओं का औसत 60 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अब वही तरीका मैंने आपको बताया कि सम संख्या है मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, मैं इसका औसत निकालता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनका औसत जो बीच वाली संख्या होगी वही औसत होगी, और यदि आपको ये नहीं आता तो आप पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़ोगे तो 12 / 2 औसत 6, मतलब 20 की संख्या आ गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे पांच संख्याएं दे रखी हैं, तो औसत कितना दे रखा है 60, तो ये मेरा 20 की संख्या भी हो गई, औसत भी हो गई। मैं आगे बढ़ता हूँ 2, 62, 64, पीछे आता हूँ मैं 58, 56, मेरी पहली संख्या हो गई 56, अंतिम हो गई 64। बस देखते से आपको पता चल गया ना कैसे करना है। अब आते हैं थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन, एक डाउट वाला क्वेश्चन उठाते हैं। ये हुआ कैसे वो मैं आपको साथ साथ में समझाता जा रहा हूं। यदि चार संख्या दे दे कि चार सम संख्याओं का औसत 60 है, तो आप क्या करोगे। अब यहां पे एक चीज समझना है कि उसका 60 तो औसत आएगा नहीं, और वो सम संख्या होगी क्रमिक तो होगी नहीं। चलिए एक चीज देखते हैं यहाँ पे, 2, 4, 6, 8, अब यहाँ बीच में तो कोई नहीं आ रहा ना, 1, 2, 3, 4 नंबर हो गए, 5 नंबर होते तो हम बीच वाला लगा देते, अब यहाँ पे तो कुछ आ नहीं रहा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, 2 और 8 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या, क्योंकि क्रमिक चल रहा है। पहली संख्या हो गई 2, अंतिम हो गई 8/2, इसको यदि मैं डिवाइड करता हूँ तो 8 और कितना हो गया मेरा 10/2, औसत कितना आया 5।
कितना औसत आया? 5। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, मैं कुछ बोल रहा हूँ आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यदि कुछ संख्याएं क्रमागत चल रही, विषम सम संख्याएं चल रही हो, क्रमागत सम संख्याएं चल रही हो और उनकी जो नंबरिंग है, कहने का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 8 तक ऐसे चले, और वह सम संख्याएं हो तो उनमें जो बीच की संख्याएं होती हैं, जो बीच की विषम नंबर होगा वही उनका औसत होगा। तो यहाँ पे कितना? 60 औसत कभी नहीं बनेगा, उनका 61 ही बनेगा, आप चाहे निकाल के देख लेना। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे कितना आया? 5। अब मेरा बीच का कितना है? 61। सम संख्याओं की बात हो रही तो इससे पहले कितना आएगा? 62। इससे पीछे कितना आएगा? 60। चार संख्या है तो 60 हो गई, 64 हो गई, 62, 60, तो पीछे कितना होगा? 58। अब यदि ये आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार और इसी पे चलते हैं। इस पे आप यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8, इसका हमें औसत निकालना है। तो औसत निकालने के किया, मैंने पहली संख्या ली, अंतिम संख्या ली, दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 5। तो अब देखिए क्या यह 5 4 और 6 के बीच में आता है ना? तो कहने का मतलब है कि यदि ऐसी सम संख्या है जो क्रमिक चल रही हो लेकिन वह उनका नंबर है, जो नंबर ऑफ काउंटिंग है वह 4, 6, 8, 10 इस तरह से हो, यदि यहाँ पर आगे और भी बढ़ जाती संख्या है, तब जो बीच की संख्या होती है वह हम उठाते हैं, इन दोनों के बीच में कितना है? 4 और 6, तो वही उसका औसत हो गया है 5। बस यहीं से हमारा सीधा क्वेश्चन बन गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, 10, 12, 14 और 16। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं। अब यहाँ पे जो औसत बनेगा, मैंने आपको बताया यदि ऐसा हो तो जो बीच वाली संख्या होती है उसके बीच वाला मान औसत होता है, तो यहाँ पे इसका औसत कितना बनेगा? 12 और 14 के बीच में 13। ठीक है, यदि मुझे औसत 13 दे दे तो मैं संख्या आराम से निकाल सकता हूँ। अब तो समझ में आया ना? बिल्कुल इतना ईजी तरीका है और इतना शॉर्ट तरीका है कि आप एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आपके चौथा टाइप हो गया, जो मैंने आपके 4 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए आज, और हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताई, उसके अलावा मैंने आपको शॉर्ट तरीका भी बता दिया है। यदि किसी भी संख्या में आपको ऐसा बोले कि उनका यदि आपको भागफल बोले तो भी आप निकाल सकते हो, उससे भाजक बोले तो भी निकाल सकते हो, क्योंकि वह संख्या उससे डिवाइड होगी। ठीक है, अब आते हैं कुछ टाइप के क्वेश्चन पर। यहाँ देखते हैं वर्गों का जब पूछे तो इसका एक फिक्स पैटर्न होता है, क्योंकि इसमें क्रमिक नहीं चलती है, तो इसका एक फिक्स पैटर्न है, वो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसका होता है n+1 to n+1/6। अब इस फॉर्मूले की यदि मैं बात करता हूँ तो ये जो फॉर्मूला है इसका उपयोग हम दो जगह कर सकते हैं। एक तो वर्गों का औसत निकालने के लिए कर सकते हैं, और यदि कभी आपको बोल दे कि वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए तब भी यही फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे साइड में एक n जुड़ जाता है, कुछ नहीं होता है, एक ही फॉर्मूला से दो काम हो रहे हैं अपने को। ठीक है, अब मैं आपको पहले औसत वाले बता रहा हूँ। यदि पूछ ले आपकी 1 से 10 तक के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए, तो जो n है मैंने आपको बताया, n कौन सा आता है? एंडिंग ऑफ नंबर, जो आखिरी वाला नंबर। तो 10 + 1, यहाँ पे 2n मतलब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20+1/6। अब यहाँ पे आप इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करने का तरीका आता है ना आपको, 11 और ये हो गया 21/6, इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2, 7 = 21 और 3 × 6, ये कितना हो गया? 77/2, इसको यदि आप चाहो तो डिवाइड कर लो, नहीं तो ये आपका आंसर, और डिवाइड करना चाहो तो 3 × 6 = 17, 8 × 16.5, ये आपका औसत आ जाएगा उस संख्या का। ठीक है, ये एक फिक्स टाइप का पैटर्न है, इसके लिए आप कोई सा भी उपयोग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक प्राकृत संख्या होती है और एक पूर्ण संख्या होती है, ये जो लगेगा ये प्राकृत संख्या के लिए लगता है। यहाँ पे एक माइनर सा डिफरेंस है जो आपको बहुत सी कम लोग बताएंगे कि ये होता क्या है। अब मैं आपके सामने एक फॉर्मूला और लिखूंगा, वो आपको ध्यान लगाना है कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, और एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब यार ये जो वाला चल रहा है ये 1 से चल रहा है, कहाँ से? 1 से। अब चलते हैं एक और फॉर्मूला,
ये भी नोट कीजिए, ये भी नोट कीजिए। ठीक है, यहां तक ये जो चलेगा ये पूर्ण संख्या का है, पूर्ण संख्या का है, और ये जो है यह प्राकृत संख्या है। अब आपको पता है ना, एक दो तीन प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से शुरू होती है। ठीक है, ये आपका माइनस का डिफरेंस है, ये दोनों एक ही, बस फर्क है इतना है कि ये पूर्ण संख्या के लिए और प्राकृत संख्या के लिए, ये माइनस का डिफरेंस आपको समझना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। चार टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए हैं, इसके बाद आपको एक तरीका और बताएंगे हम औसत याद करने का, जो बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। इसके बाद थोड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे, वो आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है, अब आपको मैंने चारों तरीके बताए, ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। अब यदि आप ये समझ लेते हो तो अगले जो भी फॉर्मूले बनेंगे या फिर जिस भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो होता है पढ़ाने का कि मैं आपको चीज़ें बता दूँ, सोल्व करवा दूँ, बस वहीं तक फिक्स है। और एक तरीका होता है कि मैं आपको बताऊँ कि ये हुआ क्यों है और ऐसा होता क्यों है। यदि आप ये समझ लेते हो तो एग्जाम में चाहे कोई सा भी नंबर डाल दे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन डाल दे, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आज आपके लिए औसत के इसी चैप्टर में इतना ही। इसके बाद हमारे अगली जो क्लास होगी उसमें मैं थोड़े क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसके आपको प्रैक्टिस कराऊँगा, और उसके बाद थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन रहेंगे, आपको वो पढ़ना ज़रूरी है। जिस तरह से मैं आपको कोई अगले टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे कि यदि एक क्लास में एक विद्यार्थी के आने से कुछ औसत बढ़ जाता है या कुछ अध्यापक के आने से औसत बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन, एक कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी इतनी पारियों में इतने रन बनाता है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको अगली बार लेके आऊँगा। लेकिन आप देखिएगा, आपने आज तक ऐसा फॉर्मूला कहीं नहीं पढ़ा होगा कि आप वो जो अगले क्वेश्चन रहेंगे उसमें आप देखते से सीधा आंसर लगाओगे बिना कॉपी पेन उठाए। ये ऐसे ही तरीके मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको दोनों तरीके बताऊँगा, बेसिक भी और वो वाला भी। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने आसान तरीके से आप 10 सेकंड में आंसर लाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हमारी टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।